हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत, आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं VTL के ऊपर, यानी कि आप सब तक तो न्यूज पहुंच ही चुकी क्योंकि मैंने टेलीग्राम पर कल शेयर किया था न्यूज। जैसे ही न्यूज आई थी मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था और आप लोग तक पहुंची। और उसमें बहुत लोगों को नहीं पता है क्योंकि लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है कि क्या VTL स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो क्या है गाइज, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कुछ चेंजेस भी हुए हैं। जैसा मैंने कहा था कि अगर ये VTL स्टार्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आएंगे, तो वैसे हुआ गाइज, कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है VTL को लेकर। क्या है आपको इस वीडियो में पता चलेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें राइट नाउ, बिल्कुल फ्री है, इसी चैनल की तरफ से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। बता दें कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर लाइक ज्वाइन फॉलो नहीं किया है, जाकर आप मुझे अभी वहां पर लाइक ज्वाइन फॉलो करें। जो इन तीनों का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर आप मुझे अभी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर लाइक ज्वाइन फॉलो कर रहे हैं। अगर आप मुझसे और मेरे भाई से व्हाट्सएप के थ्रू बात करना चाहते हैं तो मेरे और मेरे भाई का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, आप जाकर मुझसे और मेरे भाई से व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा VTL के बारे में, जो इसकी चेंजेस उसके बारे में क्या क्या है आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो सिंगापुर बहुत जल्दी फ्लाई करने वाले हैं, चाहे वो VTL के थ्रू हो चाहे नॉन मेडिकल के थ्रू हो गाइस, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक और टेलीग्राम। तो वीडियो शुरू करते दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको मालूम है कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने जो VTL की फ्लाइट्स की जो टिकट थी वो सोल्ड यानी होल्ड या फ्रीज कर दी थी फ्रॉम लास्ट मंथ, यानी कि लास्ट ईयर लास्ट मंथ फ्रॉम 23 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी, यानी कि इस साल के इस पहले मंथ तक, यानी कि एक महीने तक इन्होंने कोई भी न्यू टिकट सेल नहीं की थी। तो फाइनली क्या है कि अब आप जाके टिकट बुक कर सकते हैं, VTL टिकट हो चाहे वो नॉन VTL टिकट हो, दोनों टिकट बुक कर सकते हैं। अब आप लोग आ भी सकते हैं VTL के थ्रू सिंगापुर में। इन्होंने उन्हीं के साथ VTL स्टार्ट किया जिनके इनके साथ एग्रीमेंट होती थी, जो कंट्रीज बंद हो गई थी, अब वो फिर से VTL के थ्रू सिंगापुर आ सकते हैं। मैं बता दूं कि इस समय इंडिया के लिए दोनों फ्लाइट हैं, चाहे वो VTL हो चाहे वो नॉन VTL हो। मैं बता दूं कि जो VTL फ्लाइट अगर आप उसके थ्रू आते हैं तो आपको क्वारंटीन नहीं रहना पड़ेगा, बस आपको बाई सेल्फ स्वैप टेस्ट करना पड़ेगा, उसका रिजल्ट जो है ना वो MOH की वेबसाइट पे जाके अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप नॉन VTL के थ्रू आते हैं तो आपको 7 डेज क्वारंटीन रहना पड़ेगा, जो आपके आपको एक वॉशरूम चाहे जिसमें वॉशरूम अटैच हो, चाहे वो प्राइवेट अपार्टमेंट हो चाहे होटल हो, बस उसका वॉशरूम अटैच होना चाहिए, जैसे एक मास्टर रूम होता है वैसे ही होना चाहिए। तो उसमें आपको 7 डेज क्वारंटीन रहना पड़ेगा, वो MOH आपको मैसेज करेगा कि आपका स्वैप टेस्ट यहाँ पे होना है, आपको वहां पे जाकर स्वैप टेस्ट देना पड़ेगा। और इन दोनों केस में चाहे वो VTL हो चाहे वो नॉन, इन दोनों केस में अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको 10 दिन के लिए या 7 डेज के लिए आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा बाई साफ। इसमें कोई भी स्वैप टेस्ट नहीं होगा, ये होगा होम रिकवरी गाइज, ठीक है। तो पॉजिटिव आने पर ऐसा है, नेगेटिव आने पर यू कैन गो आउट। तो गाइज ये था दोनों फ्लाइट इंडिया के लिए, चाहे वो VTL हो चाहे नॉन VTL हो। अब आपको डिसाइड करना किसके थ्रू आना है। मैं एक बात बता दूं कि इस समय करंट सिचुएशन में जो VTL की फ्लाइट है बहुत महंगी है गाइज, आप सबको पता है बहुत महंगी है। अभी मेरे एक स्टूडेंट ने VTL फ्लाइट बुक की है, बहुत जल्दी वो सिंगापुर फ्लाई करने वाला है, आपको वीडियो मिल जाएगी इस चैनल की तरफ से, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइज। वो बंदा VTL के थ्रू आ रहा है, उसका जो प्राइस है उसने जो बुक किया है 56,000 इंडियन करेंसी, यानी कि 56,000 रुपए की उसने सिर्फ VTL फ्लाइट बुक की है फ्रॉम दिल्ली टू सिंगापुर। तो गाइज महंगी है, वैसे आप मुझे पता चला एक था 67,000 की, तो बहुत सारी महंगी फ्लाइट है। अगर आपको कोई सस्ती फ्लाइट मिलती है तो आप ले लो और फटाफट सिंगापुर फ्लाई करो। और मैं बता दूं ये वीडियो उन लोगों के लिए जो मुझसे कीप मैसेजिंग करते थे एक महीने से कि सर VTL फ्लाइट स्टार्ट होगी तो मैं आऊंगा, अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ये है वो। तो भाई अब आ नहीं पाए तो फिर कब आओगे, अब तो VTL भी स्टार्ट हो गई है, VTL की टिकट बुक करो। और जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैंने ऑलरेडी VTL के ऊपर नॉन VTL के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अब मैं देखता हूं कि आगे आने वाले में क्या क्या चेंजेस होते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, अगर जब मुझे नॉलेज मिलेगी मैं वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। फिलहाल वीडियो देखें, जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो चाहे वो VTL हो चाहे वो नॉन VTL हो, दोनों डॉक्यूमेंट्स को कैरी कर आप फ्लाई कर सकते हैं। स्पेशल गाइज आप लोग, क्योंकि आप लोग मुझसे एक महीने से पूछ रहे कि गाइज सर मैं अप्लाई करने वाला था, VTL टिकट बंद हो गई, अब मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं होटल में रहूं, ये फलाना वो फलाना, तो अब तो यार स्टार्ट हो चुकी है, अब तो आ जाओ भाई। अगर अब भी क्वेश्चन आप पूछोगे ना मेरे से, मुझे पता है कौन कौन क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से, बार बार वही लोग मैसेज करते हैं, तो अब यार प्लीज यार आ जाओ। अगर वीजा है आपके पास, टाइम पास कर रहे हो तो बोल दो, नहीं तो निकलो वहां से, इंडिया से सिंगापुर आ जाओ VTL के थ्रू, अगर आपके पास
प्लस वीजा है। तो गाइस पहले मैं आपको चलता हूँ न्यूज की तरफ, जो न्यूज कल आई थी एमओएस या जो मिनिस्टर की तरफ जो न्यूज आई थी, मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं लेकर, चेंजेस को लेकर, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो न्यूज जो है मेरे स्क्रीन के ऊपर ये रही। तो दोस्तों आप सब स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये स्टैंडर्ड टाइम का एक न्यूज चैनल, सबका पता है दो ही चैनल है सिंगापुर में जो कि न्यूज आती है। आप वीटीएल ट्रेवल्स टू टेक एआरटी ओनली इफ दे लीव होम, नो नीड टू रिपोर्ट रिजल्ट। यानी कि ये जो है ना आने वाले 24 यानी कि मंडे से ये जो रूल है वो लागू हो रहा है। आप सब पढ़ सकते हो, एयरपोर्ट की फोटो है। उसके बाद ये कल न्यूज आई थी और लिखा यहाँ पे सिंगापुर दोज एंटरिंग इंटर सिंगापुर थ्रू वीटीएल फ्रॉम मंडे 24, यानी कि आने वाले मंडे 24 विल नो लॉन्गर नीड टू परफॉर्म नेगेटिव, यानी कि एआरटी जो किट होती है जो सेल्फ टेस्ट करते हैं उसका नो लॉन्गर नीड टू एवरीडे। ठीक है गाइस, ये सिंगापुर के मिनिस्टर ने कहा है। इसके बाद दे विल ऑल्सो नो लॉन्गर टू रिक्वायर टू सबमिट देयर एआरटी रिजल्ट वाया लिंक गिविंग टू देम, यानी जो आपको लिंक मिलेगी वहां पे आपको ज्यादा रोज सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आपको बकायदा मेंशन कर देगी कब कब आपको सबमिट करना है, तो ये बता दीजिएगा। इसके अलावा जस्ट नीड टू मेक श्योर दे आर कोविड-19 नेगेटिव बिफोर दे लीव देयर प्लेस। जहां भी आप सिंगापुर में रुकते हैं, चाहे आप अपने किसी दोस्त के रूम पर रुके, अगर वीटल के थ्रू आते हैं या किसी होटल में रुके हैं, आप पहले स्वैब टेस्ट करेंगे, स्वैब टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है नेगेटिव उसके बाद ही बाहर जा सकते हैं, ये आपको अपडेट करना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस यही है, और उसके अलावा आपने यहां पर देखा है कि 6 दिसंबर को जो भी थे वीटल के थ्रू आए थे आप, विच इज हेल्प टू अथॉरिटी डेटा 700 ओमिक्रॉन इंपोर्टेंट केस मिले हुए थे, ये फ्राइडे की न्यूज थी। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिनिस्ट्री टास्क वही है, ज्यादा करना खाली चेंज किया है कि जो आप आएंगे ना उसमें आपको 24 से नो लॉन्गर एयरपोर्ट पे भी नहीं होगा। क्या होगा मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, ठीक है, एक ये न्यूज है। इसके अलावा एक सीएनए की न्यूज है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये सीएनए की न्यूज है, इन्होंने भी लिख दिया है, एमओएच ने कह दिया कि सेल्फ टेस्ट ओनली दे नीड टू लीव होम। अगर आप हाउस छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं जहां रहते हैं, उसके बाद ही आपको पहले करके फिर छोड़ेंगे। ट्रेवल रिक्वायर टू सेल्फ, ये एयरपोर्ट की फोटो गाइज, यहाँ पे द टेस्टिंग ट्रेवल इंटर सिंगापुर वाया बोथ वैक्सीनेटेड ट्रेवल लैंड एंड लैंड, यानी कि चेकपोर्ट मलेशिया और इंडोनेशिया सिंगापुर, ये बाई बस और बाई कार जा सकते हैं आप। सेट टू मिनिस्टर हेल्थ फ्रॉम संडे, यानी कि वीटीएल ट्रेवल विल ओनली रिक्वायर टू एआरटी बाई सेल्फ इफ दे लीव हाउस और अकोमोडेशन फ्रॉम डे 2 और 7, यहां लिख दिया बड़ा बड़ा कि दूसरे दिन करना है अगर आप छोड़ते हैं, यानी कि 7 दिन के अंदर आपको दूसरे दिन, यानी कि आपको पता है कि चाहे वीटर हो चाहे नॉन, 7 दिन तो होता है कि हाँ आप रहेंगे, बट अगर आप किसी घर में तो दो, अगर आपको कल जाना है तो आज स्वैब टेस्ट करें, उसका अपडेट करें, उसके बाद निकल जाए, फिर 7वें दिन भी करें, उसके बाद चले, उसके बाद नहीं करना है। उसके बाद फिर एक और भी आया है कि ट्रेवल नीड टू सबमिट द एआरटी रिजल्ट बट मस्ट टेस्ट नेगेटिव बिफोर गोइंग आउट, यानी कि नेगेटिव होने के बाद तभी कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड व्यूटल ट्रेवल हु अराइव बिफोर, यानी कि बिफोर, यानी कि बिफोर मंडे, मंडे से जो पहले आ रहे हैं यानी कि 24 से पहले, उनके लिए है कि सेम है, वही आपको एयर टिकट करना पड़ेगा जैसे आप सिंगापुर आएंगे आपका होगा। उसके बाद आपको 2, 4, 5, 6 यानी कि दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन और 6ठे दिन भी आपको करना पड़ेगा। 3रा और 7वां आपको स्वैब सेंटर पे जाना पड़ेगा, जहां पे सेंटर बने हुए हैं जैसे मेरे स्टूडेंट कहते हैं, वैसे जाकर करना पड़ेगा जो 24 से पहले आ रहे हैं। 24 के बाद दूसरे दिन, 7वें दिन आप जब घर छोड़ेंगे उससे पहले करें, उसका अपडेट करें और बाहर निकल जाएं। अब यही है गाइज, इसके अलावा ट्रेवल टेस्ट पॉजिटिव वो छोड़ना पड़ेगा। तो ये दोनों न्यूज थी गाइज, सीएनए और ट्रेवल्स की, जो इन दोनों का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर अच्छे से पढ़े ना पूरी न्यूज गाइज। तो देखा आप लोगों ने, अब ऐसा कुछ भी नहीं, 24 से चेंजेस हो गए हैं कि अब कम खर्चा होगा, आप लोगों के जो पैसे बचेंगे, अब दूसरे दिन और 7वें दिन करना पड़ेगा आपको बाई सेल्फ अगर आप घर से बाहर जाते हैं। ये सिर्फ वीटीएल वालों के लिए है जो वीटीएल के थ्रू आएंगे। अगर आप 24 से पहले आते हैं तो आपको 2रा, 4था, 5वां, 7वां, 6ठा ये दिन करना पड़ेगा, 3रा, 7वां आपको स्वैब सेंटर में करना पड़ेगा, जैसा कि देखा था ना। अगर आप देख लेना, पढ़ लेना फिर से कि किस किस दिन है, ये सिर्फ वीटीएल वालों के लिए है। और घर से बाहर जाने से पहले आपको स्वैब टेस्ट करना पड़ेगा, रिपोर्ट देनी पड़ेगी 2nd और 7वें दिन, उसके बाद ही आप जा सकते हैं बाहर। 2nd डे आप करें स्वैब टेस्ट, आप बाई सेल्फ करें नाक में डाल के, ठीक है, और उसके बाद आप उसको देखें रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद अपडेट करें, फिर बाहर चले जाएं, ठीक है, जो भी करना है। उसके बाद 7वें दिन भी सेम है गाइस। तो यही खाली चेंजेस हुए हैं 24 से, आने वाले मंडे से ये चेंजेस हो गए हैं। तो अब वीटीएल स्टार्ट हो गए हैं, जिनको फ्लाई करना वो फटाफट फ्लाई करे सिंगापुर के लिए, और जिनका वीजा आ गया वो करे। नॉन वीटीएल के लिए सेम रिक्वायरमेंट है, 7 डेज क्वारंटीन है, आपको होटल में रहना पड़ेगा बाई सेल्फ, और उसमें आपको एक लिंक मिलेगा जिस दिन आपकी स्वैब टेस्ट होगी। इसमें एक ही स्वैब टेस्ट होगा, जो नॉन वीटीएल के थ्रू आएंगे वो आपको भेजेंगे कि कहां पे जाना है, आपको कराना है। उसके बाद अगर आप
यस नो जो भी है उसके बाद की बात है। एक फोटो है गाइस, मैं आपको फोटो भी एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि जब एक कल न्यूज आई थी मैंने सारी की सारी न्यूज जो है ना वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया। गाइस आप प्लीज आकर टेलीग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर भी कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा वीकली या मेरी वीडियो आने के बाद या उससे पहले। तो एक फोटो है, मैं फोटो को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फोटो मेरे स्क्रीन पर ये रही। तो दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर फोटो, ये लिखा है चेंजेस टू मेजर्स फॉर ट्रेवल्स विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 24, 2022। फ्लाइट का एरो दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है VTL ट्रेवल्स एंटरिंग सिंगापुर विल ओनली बी रिक्वायर्ड टू डू एयर टिकट यानी बाय सेल्फ फ्रॉम डे 2 or 7 ऑफ अराइवल इफ दे नीड टू गो आउट। जैसा कि मैंने कहा था, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप जैसे आज आए हैं सिंगापुर में, तो आपको एक कल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 7वें दिन करना पड़ेगा, तभी बाहर जाएंगे। ये रूल है और चेंजेस हुए हैं, गवर्नमेंट सिंगापुर को रूल है, फॉलो करना बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है। इसके बाद लिखा है ट्रेवल्स नो नीड टू सबमिट दे ARTS रिजल्ट बट मस्ट टेस्ट नेगेटिव बिफोर गोइंग आउट। यानी कि अगर आप VTL के थ्रू आते हैं 24 के बाद, तो आपको जो है ना वो सबमिट करने की जरूरत नहीं है, बट एज वेल एज आप होने होने चाहिए कि अगर आपका पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव बताएं, नेगेटिव आया तो नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव आया और बात छुपा ली, नहीं यार मेरा पॉजिटिव आया, डर लग रहा है, मेरे को प्रॉब्लम होगी। अब जैसा बताओगे तो आपके लिए फायदा नहीं होना कि आपके चपेट में बहुत लोग आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो नहीं सबमिट करने की जरूरत नहीं है कि नो नीड टू एयर टिकट बट रिजल्ट, उसके बाद अगर आप बाहर जाते हैं तो नेगेटिव, एटलीस्ट नेगेटिव आना चाहिए गाइस, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है वहां पे लिखा है ट्रेवल्स हु टेस्ट ARTS पॉजिटिव और नो लॉन्गर नीड टू टेक लाइक PCR टेस्ट, यानी कि उसके बाद आपको PCR टेस्ट की जरूरत, अगर आप पॉजिटिव आ गए हैं उसके बाद PCR टेस्ट यानी बाय सेल्फ करने की जरूरत नहीं है। दे शुड रिकवर एट होम अंडर MOH प्रोटोकॉल 2, यानी कि अनलेस दे आर हाई एट रिस्क, यानी कि अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसके बाद कोई भी स्वैब टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं, जहां पर आप रुके वहीं पर रहकर आपकी होम रिकवरी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो देखा आप लोगों ने जो दोनों जो लिंक थी न्यूज के लिंक और जो लिंक है दोनों न्यूज का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये फोटो को मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, जिसको भी फोटो चाहिए वो टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, मैं टेलीग्राम पर लिंक भी शेयर कर दूंगा और ये फोटो भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। और प्लीज गाइज ये मैं वीडियो में आप लोगों को शॉर्टकट बताया है, आप जाके पूरे अच्छे से न्यूज पढ़ लें, अगर मैंने कुछ गलत बताया कुछ हो गया तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरी न्यूज आपको नहीं पढ़ के सुनाई गाइज, ठीक है। मैं पहले बता दिया है, ऐसा ना हो कि मैंने बताया फिर आपने विश्वास कर लिया, फिर आप बोलोगे सर आप तो ऐसा बोल रहे थे और वीडियो में और फोटो में तो ऐसा है। तो गाइस आप जाके पहले एक बार पूरी न्यूज पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। जो मैंने पढ़ा पूरी न्यूज पढ़ने के बाद जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने बोल दिया कि 24 से ये चेंजेस होने वाले हैं, VTL स्टार्ट हो गई है, नॉन VTL भी है और मेरे पास फ्लाइट नंबर भी है, VTL नॉन VTL दोनों फ्लाइट के नंबर भी है, कौन सी फ्लाइट कितने बजे फ्लाई करने वाली है, सबका चीज मेरे पास है। तो आप लोग फटाफट जाके बुक करें फ्लाइट, मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ गाइस, ठीक है। आप लोग जाके अपने एजेंट से और जहां से आप टिकट कराते हैं वहां से इनसे बात करेंगे, क्योंकि वही सब करेंगे, ठीक है, जो मेरे थ्रू आ रहे हैं। और बहुत जल्दी मैं बता दूं कि बहुत जल्दी मेरा एक स्टूडेंट आने वाला है VTL के थ्रू, और जो मेरे से पहले आया था वो डिसूजा फ्रॉम महाराष्ट्र, वो अभी होटल में है। एक्चुअली उसका कुछ प्रॉब्लम हुई थी, बता दूं मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पॉजिटिव निकले थे और अभी नहीं रिसेंटली काफी सारे पॉजिटिव निकल रहे हैं, जिनके दोस्त सिंगापुर में, उनको पता होगा कि पॉजिटिव बहुत निकल रहे हैं यहाँ पे जो इंडिया से आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो अभी चल रहा है विंटर और विंटर की वजह से लोग यहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं ज्यादातर। आज सी बात है, मेरा खुद स्टूडेंट आया और जो मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर से था, जिसके 70,000 रुपए इंश्योरेंस के लिए थे इंडियन, वो भी पॉजिटिव है। इसके अलावा कुछ पंजाब के हैं वो भी पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव आने पे आपको बाद होम रिकवरी रखा जाएगा, 10 दिन के हो या 7 दिन का हो या फिर 14 डेज का हो, वो MOH डिसाइड करेगी गाइस। तो जो मेरा स्टूडेंट है वो 10 डेज के लिए, जो जम्मू कश्मीर वाला है वो 14 डेज के लिए रिकवरी पे है, उस पर आप कोई स्वैब टेस्ट नहीं होगा, उनको 90 दिन या 13 डेज के बाद उनको एक जनरेटर कॉपी दी जाएगी, उसके बाद वो चेकआउट कर सकते हैं, कोई स्वैब टेस्ट नहीं, ये होम रिकवरी है, ठीक है। आपको आपके टच में MOH रहेगी तो मैं बता दूंगा, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप स्वैब टेस्ट करें, यस नो जो भी आपका रिजल्ट आता है आप अपडेट करें, बताएं, अगर आपका नेगेटिव आता है तो नेगेटिव बताएं, पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव, डरने की कोई बात नहीं, आप सिंगापुर में यहाँ की गवर्नमेंट आपका टेक केयर करेगी, ठीक है दोस्तों। यही था, अब फाइनली VTL स्टार्ट चुकी है, अच्छी न्यूज है, एक महीने के बाद आप सबका सपना फिर से पूरा होने जा रहा है, जो सिंगापुर आना चाहते हैं वो सिंगापुर आए, अब लेट ना करें गाइस, ठीक है। अगर आप फिर से लेट कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि सिचुएशन धीरे धीरे इंडिया की बिगड़ती जा रही है, कभी भी कुछ हो सकता है, आपको पता है ये गवर्नमेंट ऑन द स्पॉट अभी स्टार्ट कर दिया है, शायद कुछ दिन के बाद कुछ और हो जाए, कुछ दिन के बाद कुछ और हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, एज वेल एज हम सब फुली वैक्सीनेटेड हैं, बट फिर भी एक बार अपने आपको टेक केयर करना चाहिए इस वायरस से। तो आप फटाफट निकलें, जिनका वीजा आ चुका है
है, जिनकी फीस कॉलेज में आ चुकी है, जिनके पास आईपी लेटर है, वो अपना एंट्री अप्रूवल या वीटीएल का एंट्री अप्रूवल, नॉन मेडिकल एंट्री अप्रूवल लेकर निकले। अब इनकी क्या क्या नई नई रिक्वायरमेंट्स आती है मैं वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर मैं कुछ बताना और कुछ बोलना भूल गया हूं तो उसके लिए सॉरी, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां बता दूंगा। इन सबका जो लिंक है मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फोटो भी लग गई है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा, जगह आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ जो रिसेंटली ट्रैवलिंग करने वाले हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टेलीग्राम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।